हेलो, मुझे यकीन नहीं आ रहा। बस देख ले बेटा, बड़े ताने दे रही थी ना तू मुझे कि मैं कुछ कर नहीं सकती, अब देख लिया। नहीं, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, सबसे बेहतरीन तरीन दोस्त है। बस 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 बस, इतना ज्यादा मक्खन मत लगाओ मुझे। बस चंदा जी मुझे मेड के तौर पे रख ले। वैसे तूने अपनी अम्मी अब्बा से तो पूछ लिया ना? पूछ लूंगी, अभी तो तूने उन्हें बताया ही नहीं। पूछ लूंगी ना, तू मुझे कल का टाइम लेके दे, चल कॉल कर। चल ना। अच्छा एक सेकंड, कॉल कर कॉल कर, जितना जल्दी हो सके, सुबह का टाइम ले दे मुझे बस। अच्छा स्पीकर पे रख ना, मुझे भी सुनना प्लीज, मुझे आवाज सुननी है ना। स्पीकर पे रख, स्पीकर पे रख। एक सेकंड। नहीं जी, मैं वहां नहीं आ सकता, आपका स्टूडियो तो शहर से बाहर है। तो फिर मैं आपको गाड़ी भेज देती हूँ, आपको पिक एंड ड्रॉप करवा देती हूँ, मसला क्या है? नहीं मैडम, आने जाने में 2 घंटे लग जाते हैं, मैं बाकी ट्यूशंस पर वक्त पर नहीं पहुंच सकता। तो फिर एक ऐसा काम करें, जो बाकी ट्यूशंस हैं आपकी, आप उनको छोड़ दें, मैं आपके पैसे बढ़ा देती हूँ, ठीक है? आप बताएं आपको कितने पैसे चाहिए। एक्चुअली मैडम, मेरा स्टूडियो जाना मेरी बेबी पसंद नहीं करेगी। क्या, क्यों? मेरी फैमिली जरा कंजर्वेटिव है। तो क्या स्टूडियो में तो बैठे हुए हैं, तो घर में टीवी क्यों रखा हुआ है आप लोगों ने? हाँ, तुम्हारी बीवी को टीवी से कोई मसला नहीं है? मैडम आप बुरा ना मनाएं, मेरे लिए स्टूडियो आकर आपके बच्चों को पढ़ाना जरा मुश्किल है। आपके बच्चे वैसे भी बहुत तंग करते हैं। भाड़ में जाएंगे, अब बच्चों पे दास्तान शुरू कर देगा, जैसे मेरे बच्चे पता नहीं कोई दुनिया के अजूबे हैं। आप कोई दूसरा ट्यूटर क्यों नहीं रख लेते हैं? कितने अरसे से रखा हुआ है इसको मैंने, पहले मेड को निकाल के परेशान हूँ, इसको मैं निकाल दी तो पागल हो जाऊंगी मैं। मैं बच्चों को ऑफिस लेके जाती हूँ, आप तैयार हो जाए, मैडम को जल्दी से तैयार करो, ब्रेक खत्म होने में सिर्फ 50 सेकंड्स रहते हैं। आ जाओ बच्चों, ऑफिस चलते हैं। नजर नहीं आ रहा परेशान हूँ मैं? देखो मामा बहुत परेशान है, आ जाओ बच्चों, चलो आओ ऑफिस चलते हैं, बैठते हैं वहाँ पे, ट्यूटर भी ढूंढ लेंगे। आ जाओ यहाँ से, आ जाओ। मैंने छोड़ने को कहा, जाने को नहीं कहा था, आप वापस सवाल बनाओ मेरे। शो शुरू होने वाला है अभी। फिलहाल तो अभी हमारे पास कोई जगह नहीं है, अगर कोई जगह निकलती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। शुक्रिया। हेलो, एक खुशखबरी है। क्या? बूझो बता दो ना। जन्नत जी से मिलने जा रही हूँ कल मैं। क्या, कैसे? बस लगन सच्ची हो तो रास्ते बन जाते हैं। अच्छा सुनो, तुम सुबह 11 बजे आ जाना, उन्होंने मुझे 12:30 बजे बुलाया, ठीक है? और कुछ अच्छे कपड़े पहनना, तुम्हारे पास पेन कोट है? हाँ हाँ मैं कर लूंगा। देखो फारूक, तुमने अच्छा लगना है, ठीक है? ठीक। नमो बस, वहां जाते ही असगर की बात करना उनसे, इसी तरह दवाई भेज दे उसे। हाँ मैं सब कर लूंगी। अच्छा सुन, फिर तू शो में भी हिस्सा लेगी, टीवी पर भी आएगी? ये तो वहां जाके पता चलेगा। अरे तुझसे किस स्कूल में नौकरी करने की बात करेगी वो? ये भी वहां जाके पता चलेगा। तनख्वाह अच्छी होनी चाहिए बस। हाँ माँ। फारूक आ गया, चले खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चल चल। जल्दी चलाओ, कहीं देर ना हो जाए। नहीं होगी देर, इंशाल्लाह वक्त पे पहुंच जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। या अल्लाह, वालेकुम सलाम। हो गई रिटायरमेंट? हाँ हो गई। अच्छा मैं समझी थी शाम गए आओगे पार्टी से, तुम तो बहुत जल्दी आ गए। बस पार्टी जल्दी खत्म हो गई, तुम्हें जल्दी आ गया।
खैर खैर से सर्विस खत्म हुई बहुत इज्जत से। हाँ अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं सब कल से निकलूंगा नौकरी ढूंढने। वही वही किसी से कहते ना तुम? कहा है कई लोगों से कहा है, उन्होंने हामी भी भरी है लेकिन इन कामों में वक्त तो लगता ना। अभी तो सर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हाँ बस यही सोचता रहता हूँ क्या करूँ, तीन बेटियां बैठी बहने के लिए, बेटे की नौकरी का कोई तबत नहीं है क्या होगा। चलो फिक्र ना करो सब ठीक हो जाएगा, अपने तबस्सुम में ना उसको नौकरी मिल रही है। कैसी नौकरी? आएगी तो बताएगी, फारूक के साथ गई है। जो तो अली खाना लाती है। मैंने खाना खा के आऊं? मैडम सोलंकी साहब से आपने बात करनी है नेक्स्ट शो के लिए। क्या हुआ जन्नत? कुछ नहीं, कर लूंगी बात, अब मुझसे कोई बात ना करे। आयला के किसी कमीनेपन का तो पता नहीं चल गया? क्यों, अब क्या किया उसने? आपने आज का उसका शो मिस कर दिया। लगाओ तेरे देखो जरा। आज तो सीधा सीधा उसके शो पर किसी मेहमान ने आपका नाम लिया और फिर तनकीद भी की है। आयला, जन्नत अली खान के शो पे मुझे 100 बार बुलाया लेकिन मैं एक बार भी नहीं गई। हाय अंबर, ये क्या कह दिया है तुमने मेरे शो पर? देखिए ये सच है और सच बोलने से मैं डरती थोड़ी ना, इसीलिए तो तुम्हें बुलाती हूँ हमेशा अंबर। देखिए एक ही मॉर्निंग शो पसंद है मुझे, अगर वहाँ नहीं जाऊँगी तो कहाँ जाऊँगी। वाह ये तो बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताओ। काफी अच्छा लगा अंबर के साथ काम करके। अच्छा हमारी केमिस्ट्री आपस में काफी अच्छी है एंड हमें एक दो और बड़े ड्रामों के ऑफर्स आए हैं। Really? जो कि हम अभी नहीं बता सकते। ईसा को बताने से रोक दिया तुमने। जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए इसे इंडस्ट्री में आए हुए, बातें देखो ये कैसे कर रही है जैसे ये पूरा शो संभाल रही हो। मैंने इससे अपने शो में माफी ना मंगवाई ना, तो मेरा भी नाम जन्नत अली खान नहीं